निपा वायरस, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वायरस केरल में तेजी से बढ़ रहा है और लगातार इसके नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं कि कहां से आया, इसका नाम कैसे पड़ा? चलिए एक मिनट में समझ लेते हैं। ये एक जूनोटिक वायरस है, ये जानवरों से इंसान में फैलता है, इसके बाद संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों में फैल जाता है। मलेशिया में साल 1999 में सुगने निपा गांव में इस वायरस को पहली बार देखा गया था। इसी के बाद से इसका नाम निपा वायरस रख दिया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक निपा वायरस फ्लाइंग फॉक्स नाम के चमगादड़ से फैलता है। वायरस से संक्रमित चमगादड़ इंसानों में संक्रमण फैला देती हैं। जानवरों या उनकी लार या शरीर से निकलने वाले दूसरे तरल यानी कि फ्लूइड ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से इसके संक्रमण का खतरा रहता है।